Love FM. क्या किराए का बच्चा, आप होश में तो हैं? हाँ, तुम्हें अपनी कोख से किराए का बच्चा पैदा करना होगा और उसके लिए तुम्हें पूरे 1 करोड़ मिलेंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं शनाया वर्मा, मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। उस रात हुए हादसे की वजह से मेरी जिंदगी ही पलट गई, जिस वजह से मुझे किसी अनजान आदमी का बच्चा अपनी कोख से पैदा करके देना था। आखिर क्यों और कैसे, उसके लिए सुनिए मेरी कहानी। उस रात मैं जॉब से घर आई तो मेरे होश उड़ गए। ऋषभ, क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? 15 साल का ऋषभ, शनाया का भाई, जो बेहोश पड़ा था। शनाया और ऋषभ का इस दुनिया में कोई नहीं था। ऋषभ को बेहोश देखकर शनाया चीख पड़ी, ये तो बेहोश है, मुझे इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तू परेशान मत होना ऋषभ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शनाया किसी तरह ऋषभ को हॉस्पिटल लेकर गई, उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर डॉक्टर, क्या हुआ ऋषभ को, वो ठीक तो है ना? मैं शनाया, आपके भाई को ब्रेन ट्यूमर है, क्या आपको ये बात पता थी? क्या, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। ऋषभ 1 महीने पहले ही हॉस्टल से आया है, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज, कुछ भी कीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। ठीक है, पर उसके लिए 40 लाख आप जमा करवा दीजिए। अगर 24 घंटों के अंदर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा है, और सर्जरी कामयाब होगी या नहीं मैं ये भी नहीं कह सकता। इतना बोल डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। एक साथ 2 झटकों ने जैसे उसे हिला दिया था। मेरे पास तो 10,000 भी मुश्किल से होंगे, मैं 40 लाख कहाँ से लाऊंगी? शायद इसलिए ऋषभ ने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था मैं उसका इलाज कहाँ से करवाऊंगी। पर अब कैसे भी करके मुझे 40 लाख का इंतजाम करना होगा। शनाया ने अपने सारे रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों के सामने हाथ फैला दिए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे तो वक्त निकल जाएगा और मैं ऋषभ को खो दूंगी। हे भगवान, कोई तो चमत्कार करो, कोई तो मदद करने को अपना फरिश्ता भेजो। जहाँ शनाया भगवान से फरियाद कर रही थी, वहीं कोई सूट बूट पहने शनाया को देख रहा था। उसने किसी को कॉल की और शनाया के बारे में सब पता किया। उधर वो आदमी एक शानदार घर में एक काले शान सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक काले रंग का मास्क था। बॉस, जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई है, और आपके उस काम को अंजाम देने के लिए ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ऑर्डर दे तो मैं काम को अंजाम दूं। कूल रोहित बंदे, तुम कमाल के हो। और हाँ, वो फाइल साइन करवाना मत भूलना, क्योंकि वो फाइल इस लड़की की जिंदगी को बदल के रख देगी। ओके बॉस। रोहित शनाया के पास गया और बोला, अरे मैम, आप मेरे साथ आइए, 40 लाख रुपए दिलवाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या, आपको कैसे पता मुझे 40 लाख चाहिए? अरे माफ कीजिए मैडम, पर मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, और मैं आपको 40 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ दूंगा। क्या आपको अपने भाई को सच में बचाना है या फिर सवाल जवाब में यूं ही टाइम वेस्ट करना है? लेकिन कोई अनजान आदमी मुझे 1 करोड़ क्यों देगा? एग्जैक्टली, अरे एक्चुअली पैसे मैं आपको नहीं बल्कि मेरे बॉस देंगे आपको, पर उसके लिए उनकी 3 शर्तें हैं। शर्त? कैसी शर्त? रोहित ने कुछ पेपर निकाले और बोला, तो आपको ये फाइल बिना पढ़े साइन करनी होगी, और फाइल साइन करते ही आपके भाई का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ये सुनकर शनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। आप सच में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, आज तो आप मुझसे मेरी जिंदगी भी मांग लो तो वो भी मैं दे देती। ये पेपर तो चीज ही क्या है, लाइए दीजिए। अरे एक बार तो सोच लीजिए मैडम, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। अगर अभी मैंने देर कर दी तो मैं अपने भाई को खो दूंगी, इसलिए मेरे पास अभी पछताने को कुछ भी नहीं है।
आप बस जल्दी से मेरे भाई का ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए। शनाया ने वो पेपर लिए और बेताब होकर उन पर साइन करने लगी, बिना ये सोचे कि ये पेपर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। अभी तो मैंने साइन कर दी, अब तो मेरे भाई का इलाज शुरू करवा दीजिए। देखिए मैडम, अब आप हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती। क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं रुक सकती मैं हॉस्पिटल, मेरा भाई वहाँ अकेला है। तभी शनाया का फोन बजे था। शनाया ने कॉल रिसीव किया। हेलो शनाया मैम, मैं डॉक्टर शंभू तोमर बोल रहा हूँ। दरअसल आपके भाई को देश के बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया है और उसका 40 लाख रुपए जमा भी हो चुका है और अगले 20 मिनट में आपके भाई का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। क्या क्या 40 लाख, ये आप क्या कह रहे हैं, किसने किया है ये? मिस्टर आरुष मल्होत्रा के कहने पर, और ये पैसा भी उन्हीं के अकाउंट से आया है। ये सुनकर शनाया खुश थी पर साथ में हैरान भी। अरे अरे घबराइए नहीं, ये सब पेपर साइन करने की वजह से ही हुआ है। मिस्टर आरुष मल्होत्रा ही मेरे बॉस हैं। आरुष मल्होत्रा, ये तो वही है ना, शहर के सबसे अमीर आदमी जिनका डायमंड का बिजनेस है। और मैंने ये भी सुना है कि मल्होत्रा डायमंड के असली मालिक आरुष मल्होत्रा को आज तक किसी ने नहीं देखा, तो वो मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अभी आपको मेरे साथ चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, मुझे उसके पास जाना है। देखिए आप हॉस्पिटल नहीं जा सकती, और अगर आपने मेरे साथ जाने से मना किया ना, तो अभी के अभी आपके भाई का ट्रीटमेंट रुक जाएगा। तो इसीलिए आपको वहाँ जाना होगा जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ। शनाया अच्छे से समझ चुकी थी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो चुपचाप रोहित के साथ चली गई। रोहित उसे एक सुनसान जगह पर ले गया जिसे देख शनाया थोड़ा डर गई। ये जगह कितनी सुनसान है और ये इस सुनसान जगह पर इतना बड़ा घर, ये कितना अजीब और डरावना है। अरे मैडम मेरे पीछे आइए और कोई सवाल मत कीजिए। शनाया चुपचाप उसके पीछे चल दी। घर में घुसते ही रोहित बोला, आप यहीं पे 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। थोड़ी देर बाद रोहित वापस आया। अब आप अंदर जा सकती हैं, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं और अब मेरा काम यहीं पे खत्म होता है। ये सुनकर शनाया बहुत डर गई। मुझे डर लग रहा है, आप भी चलिए ना साथ में। अरे मैडम अंदर जाइए, मेरे बॉस को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनाया सर झुकाकर अंदर जाने लगी और रोहित बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। उस सीक्रेट हाउस के हॉल में बीच में एक किंग साइज की कुर्सी पर 2 पीस पहने एक आदमी बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक काला मास्क था। मिस शनाया वर्मा, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आप कौन हैं और मेरे बारे में कैसे जानते हैं, और आपने मेरी मदद क्यों की, और आपके चेहरे पर ये डरावना मास्क क्यों है? हाँ देखो, मेरे मास्क के पीछे का राज आज तक कोई नहीं जान पाया है, और रही बात मदद की, तो मैंने तुम्हारी मदद तुम्हारे फायदे के लिए नहीं बल्कि। तभी आरुष मल्होत्रा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शनाया चीख पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। दूसरे ही पल शनाया सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी और आरुष मल्होत्रा की सहमा देने वाली हंसी उस अजीब सीक्रेट हाउस में गूंजने लगी। ऐसा क्या कहा आरुष ने जिसे सुनकर शनाया सदमे से बेहोश हो गई? क्यों कर रहा है वो शनाया की मदद, क्या मकसद है उसके पीछे, और ऐसा क्या था उन पेपर पे जो शनाया से साइन करवाए गए, और क्या है आरुष के मास्क के पीछे का राज, और होश में आने पर क्या करेगी शनाया? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल लव FM पर। लव FM।